أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن المتقين في جنات في مقعد صدق عند مليك في مقعد صدق عند مليك مقتدر بسم الله الرحمن الرحيم الرحمن الرحمن علم القرآن خلق الإنسان علمه البيان الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان والسماء ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان والأرض وضعها للأنام فيها فاكهة والنخل ذات الأكمام والحب ذو العصف والريحان فبأي آلاء ربكما تكذبان صدق الله العظيم ما شاء الله عبد الواسع بھائی کلام پیش کریں گے सही है सलाम सलाम वालेकुम सल्ले अला नबीना सल्ले अला صل على شفينا صل على محمد عقیدتوں کے گوہر ان کے نام کرتے ہیں حسین سب کو سلام کرتے ہیں آپ سب انشاءاللہ سبحان اللہ بھی کیجئے گا اور یہ ہمارے استاد محترم کا کلام ہے یہ ان کا کلام ہے
अकीदतों के गोहर उनके नाम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं, जिन्होंने दीन को ताबिंदगी अता की है, जिन्होंने दर्द को एक जिंदगी अता की है, जिन्होंने जज्बे वफा को सुरूर बख्शा है, जिन्होंने लफ्ज मोहब्बत को नूर बख्शा है, अकीदतों के गोहर उनके नाम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं, हम उनके जज्बे मोहब्बत को आम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं, जिन्होंने नाम वफा को हमेशगी दे दी, जिन्होंने मुर्दा उसूलों को जिंदगी दे दी, जिन्होंने नाम वफा को हमेशगी दे दी, जिन्होंने मुर्दा उसूलों को जिंदगी दे दी, जिन्होंने कर दिया कुर्बान दी पे घर अपना, जिन्होंने पेश किया जालिमों को सर अपना, अकीदतों के गोहर उनके नाम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं, हम उनके जज्बे मोहब्बत को आम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं, जिन्होंने दीन को ताबिंदगी अता की है, जिन्होंने दर्द को एक जिंदगी अता की है, जिन्होंने जज्बे वफा को सुरूर बख्शा है, जिन्होंने लफ्ज मोहब्बत को नूर बख्शा है, अकीदतों के गोहर उनके नाम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं, है जिनके नाम से जिंदा शहादतों का चलन, है जिनकी जात से ताजा अकीदतों का चमन, है जिनके नाम से जिंदा शहादतों का चलन, है जिनकी जात से ताजा अकीदतों का चमन, जिन्होंने जुल्म के परचम को रौंद डाला है, वो जिनके नाम से तारीख में उजाला है, अकीदतों के गोहर उनके नाम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं, हम उनके जज्बे मोहब्बत को आम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं, जिन्होंने नाम वफा को हमेशगी दे दी, जिन्होंने मुर्दा उसूलों को जिंदगी दे दी, जिन्होंने कर दिया कुर्बान दीप घर अपना, जिन्होंने पेश किया जालिमों को सर अपना,
अकीदतों के गौहर उनके नाम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं, उनके जज्बे मोहब्बत को आम करते हैं, हुसैन आली नसब को सलाम करते हैं। माशाल्लाह भाई, माशाल्लाह। ये हमारे उस्ताद मोहतरम हैं प्रोफेसर अकील दानिश साहब, माशाल्लाह इनका लिखा हुआ ये कलाम है, तो अभी ये एक अपना एक सलाम ये भी पेश करेंगे इंशाल्लाह। अस्सलाम वालेकुम मौजूद साहब। वालेकुम सलाम। मेरे लिए बड़े फख्र का मुकाम है और मेरी खुशबख्ती है कि मैं हजरत के ज़ेरे साया कुछ कहने की जरूरत कर रहा हूँ यहाँ। इससे पहले कि मैं करबला मुक़दस के सिलसिले में गुजर्श करूँ, मैं गुजारिश करना चाहता हूँ कि हम बड़े खुशबख्त लोग हैं कि हमें कुछ ऐसे उलमा नसीब हुए हैं जिन्होंने हमें न सिर्फ राय मुस्तकीम दिखाई बल्कि दुनिया में रहने का सलीका भी सिखाया। उनमें से हमारी बड़ी खुशकिस्मती और खुशबख्ती है कि हज़रत मुफ्ती अब्दुल वहाब साहब यहाँ मौजूद हैं। उन्होंने जिस मोहब्बत से, जिस सराहत से, जिस आसानी से मसाइल, फ़िक़्ही मसाइल हों या ज़िंदगी मसाइल हों, उन पर रोशनी डाली है, हम सब के लिए तारीख़ का मुकाम है। और ये जो ज़िल्लत का दा है हमारा, जिसे हम बरतानिया कहते हैं, यहाँ पर दीन का आदम बुलंद रखना, दीन के लिए अपनी पूरी ज़ात को वक्फ कर देना और सोते जागते ये ख्याल करना कि हम अपने दीन की आबियारी और दीन की तरवीज़ किस तरह करें कि कम लोगों को नसीब है। हमारे उलमा ने बड़ा किरदार अदा किया हमारी तारीख में। दो शेर मैं उलमा की नज़र करता हूँ कि वक्त से कब कहीं हारे हैं हमारे आलिम, माशाल्लाह। वक्त से कब कहीं हारे हैं हमारे आलम, आलिम जान से ज़्यादा प्यारे हैं हमारे आलिम, जान से ज़्यादा प्यारे हैं हमारे आलिम। कल्ब भी आज मुनव्वर है ज़िया से इनकी, कल्ब भी आज मुनव्वर है ज़िया से इनकी, अर्ज़ के चांद सितारे हैं हमारे आलिम। माशाल्लाह। हमारी तारीख में उलमा ने जो किरदार अदा किया है पूरे बरसग़ीर के अलावा पूरी दुनिया में, अब्दुल्कुतुब और सैयद कुतुब और अब्दहू और फलाँ फलाँ सब बाशऊर लोग हैं, और हमने देखा भी होगा, सुना भी होगा, पढ़ा भी होगा कि वहाँ से मशरक़ वुस्ता से लेकर आज तक उलमा ने अपनी तारीख को निभाने के लिए, अपने किरदार को निभाने के लिए कितनी क़ुरबानियाँ पेश की हैं। और हमारी खुशबख्ती मैं दोबारा ये अर्ज़ करूँ कि अल्लामा मौजूद हैं। एक दफ़ा मैंने बहुत मोहब्बत से अर्ज़ किया था कि उनके दानिश तमाम अहले नज़र दीन का आफ्ताब कहते हैं, इनको दानिश तमाम अहले नज़र दीन का आफ्ताब कहते हैं, दोस्त अहबाब फ़ख्र से इनको मुफ्ती अब्दुल वहाब कहते हैं। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। आज अल्लामा ने एक महफिल सजाई है यहाँ पर और ज़िक्र करबला हमारी तारीख का सबसे बड़ा सानिहा है। करबला से कि आज तक हज़रत सैयदना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मुताबिक जो कुछ भी लिखा गया है वो कम है, इसलिए कि वो न सिर्फ तारीख़ इस्लाम के बल्कि तारीख़ इंसानियत के बहुत मोतबर बड़े किरदार थे। उन्होंने अपनी कुर्बानी देकर इस दीन को ज़िंदा किया, मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ अंदाज में उसको सराहा है पूरी तारीख़ में। ख्वाजा निज़ामुद्दीन औलिया शाह हस्त हुसैन, शहन शाह हस्त हुसैन, दी हस्त हुसैन, दीन पना हस्त हुसैन, सरदार नदा दस्त दर दस्त यजीद, अक्का की बिनाए लाएदा हसन ने जोश वलियाबादी, इंसान को बेदार तो हो लेने दो, हर कौम पुकारेंगे हमारे हैं, हमारे हैं। वाह वाह वाह, माशाल्लाह। और उसके बाद मौलाना मोहम्मद अली जौहर, कत्ले हुसैन असल में मरगे यजीद है, इस्लाम जिंदा होता है कर करबला के बाद, एक शहादत गए उल्फत में कदम रखना है, लोग आसान समझते हैं मुसलमान होना। वाह वाह। मैंने भी इस शहादत में हिस्सा लिया। पहले तो मैं शुक्रगुजार हूँ अब्दुल वासे का कि उन्होंने बहुत मामूली अशार को अपनी आवाज़ से बड़ा तासुर दे दिया,
बड़ी ताजगी बख्श दी अल्लाह ताला ने। इस तरह मैंने अवधि अता करे आपकी मोहब्बत अकीदत। मैंने दो शेर लिखे सैयदना इमाम अली मकाम के जनाब में कि हमारे का हको बादिल का गर्म तो दानिश, हमारे का हको बादिल का गर्म तो दानिश, सवात हक के लिए मोतबर शहादत है। क्या बात, सवात हक के लिए मोतबर शहादत है, यजीदियत के आलम फिर जहां में लहराए, हुसैन इब्ने अली फिर तेरी जरूरत। क्या बात, हुसैन इब्ने अली फिर तेरी जरूरत है। और इसी हुसैन इब्ने अली की नज़्म चंद शेर हैं, नज़्म के उनवान है हुसैन अलैहिस्सलाम के, जुल्मत कदे में नूर का मीनार कौन है, जुल्मत कदे में नूर का मीनार कौन है, इंसानियत का ताले बेदार कौन है, बातिल के सफ में आज भी कोहराम किससे है, आलम में नूर हक का तलबगार कौन है, तारीख में ये मेरे दरख्शां है किसका नाम। क्या बात, तारीख में ये मेरे दरख्शां है किसका नाम, अफसाने हयात का उनवा है किसका नाम, कुदसी नफस इमाम शहीदा है किसका उर्फ, कुदसी नफस इमाम शहीदा है किसका उर्फ, सरमाया निगाहो दिलो जा है किसका नाम। क्या बात, सरमाया निगाहो दिलो जा है किसका नाम, वक्ते दस्ते बला में किसने वफा की अजान दी, दस्ते बला में किसने वफा की अजान दी, इंसानियत के नाम पे ये किसने जान दी, और दहशत से बहरो भर भी थे खामोश जिस घड़ी, जर्रों को करबला के ये किसने ये जबान दी। वाह अल्लाह, बहुत दहशत से, दहशत से बहरो भर भी थे खामोश जिस घड़ी, जर्रों को करबला के ये किसने जबान दी, किसने अलम सितम का निगुसार कर दिया, किसने अलम सितम का निगुसार कर दिया, किसने कसूर जुल्म को मिसमार कर दिया, किसने कहा कि मौत ही असली हयात है, किसने कहा कि मौत ही असली हयात है, किसने शऊर जीस्त का बेदार कर दिया, और दानिश लिखो रसूल के वो नूर आयन है। क्या बात, दानिश लिखो रसूल के वो नूर आयन है, वो फख्र कायनात हमारे हुसैन है। वाह, आपकी समातों का बहुत बहुत शुक्रिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, बहुत बहुत الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الذين آمنوا استعينوا بالصبر والصلاة إن الله مع الصابرين ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء ولكن لا تشعرون ولنبلونكم بشيء من الخوف والجوع ونقص من الأموال والأنفس والثمرات وبشر الصابرين الذين إذا أصابتهم مصيبة قالوا إنا لله وإنا إليه راجعون أولئك عليهم صلوات من ربهم ورحمة وأولئك هم المهتدون صدق الله العظيم اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي محترم حاضرین کرام بزرگان دین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ الحمدللہ اللہ رب العزت کا فضل و احسان کہ اللہ تعالی نے ہم سب کو مسجد میں جمع فرمایا دین کی بات سننے کے لیے اس پہ ہمیں اللہ کا شکر ادا کرنا چاہیے میں سب سے پہلے تو عقیل دانش صاحب کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ ماشاءاللہ انہوں نے جو اپنے جذبات کا اظہار کیا اشعار کی صورت میں یہ انہی کا ہی خاصہ ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو اہل بیت سے محبت عطا فرمائے اور ان کے ان اشعار کو کل قیامت کے دن اہل بیت کی شفاعت کا حقدار فرمائے ماشاءاللہ ہم ہر سال دس محرم کو پروگرام کرتے ہیں اور یہ پروگرام جو ہیں بہت ضروری ہیں اور اس میں ہمارا ہی قصور ہے کہ ہم ان پروگراموں میں انٹرسٹ پیدا نہیں کر سکے اور لوگوں کو متوجہ نہیں کر سکے لوگوں کا شوق نہیں ہے
और लोग जो है वो ऐसी महफिलों में शिरकत नहीं करते, तो इसमें कसूर आप लोगों का तो नहीं है, कसूर हमारा ही है, मेरा ही कसूर है। तो सबसे पहली बुनियादी चीज़ जो अर्ज़ करनी थी, अभी जैसी मुहर्रमुल हराम का महीना शुरू होता है तो हम देखते हैं कि हर तरफ महफिलों का इनेकाद होता है, मजालिस होती हैं, जुलूस निकल रहे हैं और प्रोग्राम्स हो रहे हैं, और हमारे जो अहले सुन्नत हैं वो भी प्रोग्राम करते हैं, लेकिन हमारे अहले सुन्नत के अंदर जो है वो इतना कोई जज्बा नहीं होता। वो अब उसमें एक बात तो है कि समझाने की ज़रूरत है, लेकिन कुछ चीज़ें जो होती हैं ना, कुछ चीज़ें जब इस्टेब्लिश हो जाए ना, कोई चीज़ इस्टेब्लिश हो जाए ना तो फिर उसको चैलेंज करना बड़ा मुश्किल होता है। कोई फ़िरका इस्टेब्लिश हो जाए, कोई ग्रुप चैलेंज इस्टेब्लिश हो जाए, तो वो इज़ वेरी डिफ़िकल्ट टू चैलेंज देम, यू नो, ये इतना आसान काम नहीं है। आप हजरात अभी माशाल्लाह बच्चे हैं, नौजवान हैं, और अगर बड़ी उम्र के लोग हैं तो वो शायद मेरी इस बात को समझेंगे, तो वो फिर बड़ा मुश्किल काम होता है। तो सबसे पहली बुनियादी आज मैं आप हजरात के सामने सिर्फ दो बातें अर्ज करूँगा। एक तो जो अहले बैत और जाम हैं, हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के घर वाले, उनका क्या मकाम है? सिर्फ दो आयतें पढ़ूंगा, और ये कुरान की आयतें हैं। कुरान पाक में अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया, कुल्ला असअलुकुम अलैहि अजरन इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा। ए नबी, आप इनसे कह दीजिए, किनसे, मुझसे, आपसे, सबसे कह दीजिए कि हुजूर कहते हैं अल्लाह का कलाम है, अल्लाह कहता है कि आप कह, कुल आप कह, ला असअलुकुम अलैहि अजर, कि मैं तुमसे कोई अजर, कोई मुआवजा का सवाल नहीं करता, मेरा कोई तुमसे कोई सवाल नहीं है कि तुम मुझे कुछ मुआवजा दो, कुछ मुझे कुछ अता करो, सिर्फ और सिर्फ मेरा मुतालबा क्या है, इल्लल मवद्दत फिल कुर्बा, कि तुम मेरे रिश्तेदारों से जो मेरे करीब हैं उनसे मोहब्बत करो। ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा है, सवाल है हर शख्स से जो कुरान पढ़ता है, चाहे उसका ताल्लुक किसी भी फिरके से हो। अगर वो कुरान को मानता है तो कुरान के अंदर अल्लाह ताला ने इस बात को इरशाद फरमा दिया। हम जब खुतबा पढ़ते हैं ना, तो खुतबे के अंदर क्या, अल हसन वल हुसैन सैयदा शबाब अहल जन्ना, के हजरत हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। यहाँ पे जो नौजवानों से मुराद ये नहीं कि वो यंगस्टर्स के इमाम है, नौजवान उसको कहते हैं। एक आदमी हो बड़ा बहादुर हो, वो बड़ा लहीम शहीम हो, बहादुर तो मैंने लफ्ज़ इस्तेमाल कर लिया, बड़ा ऊंचा तगड़ा हो लेकिन अंदर से बिल्कुल भुज्जिल हो, एक आदमी देखकर भाग जाता हो, और एक बंदा है बिल्कुल पतला दुबला सा हो लेकिन वो भुज्जिल नहीं है, वो जवां मर्द है, हम क्या कहते हैं इसको, जवां मर्द है। तो यहाँ पे सईदा शबाब अहले जन्नत से मुराद क्या है कि जवां मर्द हैं, बहादुरों के सरदार हैं, यानी ये नहीं कि नौजवानों के सरदार हैं, बहादुरों के सरदार हैं। तो हुजूर ने फरमाया, अल हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन, हुसैन मुझसे है और मैं हुसैन से हूँ। और हुजूर ने फरमाया कि अल हसन वल हुसैन हुमा रिहानाया फिर दुनिया, कि हसन और हुसैन जो है मेरे जन्नत दुनिया के, जन्नत के दुनिया के फूल हैं। फूल, फूल का क्या काम होता है, फूल देखने में अच्छा हो, खूबसूरत हो, उसके अंदर खुशबू हो, और फिर आप उसको जो है वो सूंघते हैं। तो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि ये हसन और हुसैन जो है वो मेरे फूल हैं। तो अब हमारा अल्लाह ताला ने हमसे मुतालबा क्या किया है, ये तो हसन हुसैन के बारे में बयान कर दिया, हज़रत फातिमा के बारे में क्या बयान किया, अल फातिमतु बिज़अतु मिन्नी, कि फातिमा मेरे जिगर का टुकड़ा है। और हजरत अली के बारे में इरशाद फरमाया कि देखो, अली से वही मोहब्बत करेगा जो मोमिन होगा, और अली से वही बुग्ज़ रखेगा जो मुनाफिक होगा। तो एक एटमॉस्फेयर क्रिएट किया गया, और उस एटमॉस्फेयर के अंदर ये क्रिएट किया गया कि भाई अहले बैत से मोहब्बत और अहले बैत के औसाफ बयान करना, फजाइल बयान करना, ये सिर्फ अहले तशी का काम है। किसका काम है, अहले तशी का काम है।
हमने भी यही समझ लिया है कि भाई ये उन्हीं का ही काम है, और ना हमारे जुमों में ना हमारे खुतबात में कहीं पे भी जो है इतना तस्करा नहीं होता है अहले बैत का। हुजूर ने फरमाया कि जब अली का तस्करा हो और किसी को नागवार गुजरे तो वो उसके मुनाफिक होने की अलामत है। तो हमने तस्करा ही नहीं किया, तस्करा ही नहीं होता। तो ये हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुतालबा है। देखिए, कायनात के अंदर सबसे मुकद्दस मोहतरम शख्सियत, सबसे आला अफजल शख्सियत किसकी ज़ात है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात है। और हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जिस्मे अथर से जो अफराद पैदा हुए, जो औलाद पैदा हुई, वो किसका जुज है? किसका जुज है? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जुज है। तो जो तकद्दस हासिल है हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, जो फजीलत हासिल है, जो मकाम हासिल है औलाद होने की हैसियत से, वो अगर रुतबा और वो मकाम तो हम नहीं दे सकते कि जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का, क्योंकि हुजूर तो अल्लाह के नबी है ना, खातमुन नबीयीन है, लेकिन बहसियत औलाद होने के वो मोहब्बत को दे सकते हैं? नहीं दे सकते। वो कहते हैं तुम्हें चाहूँ तुम्हारे चाहने वालों को चाहूँ, मेरा दिल फेर दो, ये झगड़ा मुझसे हो नहीं सकता, मुझसे तो मोहब्बत करें, अब्दुल वासी से ना करें, अब्दुल वासी से ना करें तो मुझसे मोहब्बत का दावा करें, औलाद से ना करें तो कहेंगे भाई ये क्या मोहब्बत है। वो कहते हैं वो तो क्या, आदमी जब किसी से मोहब्बत करता है तो उसकी औलाद से भी मोहब्बत करता है, और औलाद भी जवां मर्द, औलाद भी जो है मामूली नहीं। तो पहली बात, बुनियादी बात मैं आप हजरात के सामने अर्ज कर रहा हूं कि हम अहले सुन्नत वल जमात हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तमाम घर वालों का एहतराम करते हैं, उनसे मोहब्बत करते हैं, उनका एहतराम और उनकी इज्जत करते हैं। हुजूर ने फरमाया कि मैं तुम्हारे दरमियान दो भारी सकलैन तरकतुकुम फी सकलैन, दो भारी चीजें छोड़ के जा रहा हूं, एक किताबुल्लाह और दूसरी वईतत रसूल, एक किताबुल्लाह और एक अपना खानदान। देखिए हुजूर ये फजाइल बयान कर रहे हैं अपनी नस्ल के, अपनी औलाद की, क्यों? उनको पता था कि आने वाले दौर में ये उम्मत उनके साथ क्या सलूक करेगी, क्या क्या सलूक होगा उनके साथ। तो एक तो भाई गुजारिश ये है कि अहले बैत से मोहब्बत करें, उनका एहतराम करें, उनकी रिस्पेक्ट करें, उनसे इज्जत करें। आज इस सोसाइटी में एक ग्रुप पैदा हो गया है, उस ग्रुप के को जब भी आप अहले बैत के फजाइल बयान करेंगे, जब भी आप ये हजरत अली रजी अल्लाह तआला नो हजरत हसनैन करीमैन की फजीलतें बयान करेंगे और साफ बयान करेंगे, उनको कुछ परेशानी होना शुरू हो जाती है। मैं तो हैरान होता हूं, हजरत अली का तस्करा शुरू होते ही जो है वो उनको परेशानी हो जाती, वो कौन से माइंडसेट है और किसने वो माइंडसेट बनाया है? ये अहले सुन्नत का शियार नहीं है, मैं आपसे गुजारिश कर रहा हूं, अहले सुन्नत का ये शियार ही नहीं है, अहले सुन्नत जमात से वो खारिज है। तो एक बात तो ये है कि जैसे हुजूर ने फरमाया ला तसुब्बु असहाबी, कि मेरे सहाबा को बुरा भला मत कहो। क्यों? क्योंकि सहाबा की जमात वो जमात है जिसकी तरबियत किसने की है? हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की है। तो तरबियत करने में सहाबा को वो मकाम मिल गया तो अहले बैत का क्या मकाम होगा, जो उनका जुज है, जो उनकी औलाद है। तो लिहाजा अहले बैत से मोहब्बत करना और उनका एहतराम करना बहुत हमारे ईमान का जुज है। कोई शख्स भी उनको डिसरिस्पेक्ट नहीं कर सकता। अभी क्या होने वाला है ये? वो ट्रांसलेशन करने में। अच्छा, बहुत अच्छी बात है, पहले ही कर लेते यार। तो एक चीज तो ये है, पहली बात हो गई। दूसरी बात, वाकया करबला के हवाले से कुछ बातें आज करनी है। मैं आज कोशिश करता हूँ, थोड़े से लोग बैठे हैं, दो चार बातें मेरी समझ लेंगे इंशाल्लाह, काम आएंगी, अपने दिमाग में बिठा लें। एक तो ये कि देखें, ये जो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जब आपने दावा किया ना नबुव्वत का, तो सबसे ज़्यादा मुखालफत आपको कहाँ से हुई? आपके ख़ानदान से हुई, आपके घर वालों से हुई, आपके कबीले से हुई, चाचाओं से हुई, हुई नहीं हुई? और किस तरीके से उन्होंने मुखालफत की आपको? हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मुखालफत अबू जहल करता था। ये जो अबू जहल है ना, इसका नाम था अमर बिन हशाम, और इसको इसकी जो इसका जो लकब था अबुल हकम था, अबुल हकम उसको कहते थे अरब, जो बड़ा ज़हीन आदमी हो, जो लोगों के दरमियान फैसले करता हो। तो लोग इसके पास आते थे फैसले कराने, तो ये तो सरदार था अबुल हकम कुनियत।
लकब और अमर बिन हशाम। देखिए हुजूर दुआ मांग रहे हैं कि अल्लाहुम्मा इज्जल इस्लाम बि उमरैन, ए अल्लाह तू इस्लाम को इज्जत अता फरमा दो उम्रों से, उमर इब्न खत्ताब या उमर इब्न हशाम। ठीक है, हुजूर तो दुआ मांग रहे हैं ना कि भाई इस्लाम को इज्जत दें, इस्लाम को ताकत दें इन दो उम्रों में से किसी एक से या दोनों से दे दें। तो हुजूर की दुआ है, मुराद है कि भाई इन दोनों में से कोई एक आ जाए इस्लाम में या दोनों आ जाए। तो अल्लाह ताला ने किसको मुंतखब किया? अल्लाह ताला ने हज़रत उमर बिन खत्ताब को कबूल किया और उनको जो है उनको इस्लाम की दौलत से नवाजा। और उनको फिर देखें अमर बिन हशाम को क्या खिताब मिला, अबू जहल का, जाहिलों का बाप। कभी आप लोगों ने सोचा उसको अबू जहल क्यों, अबू जहल क्यों कहते हैं? सच बताया, आप में से किसने सोचा है? कभी कभी सोचा है यार? कॉमन सेंस की बात है, जाहिल कहते हैं उसको जो अनपढ़ हो। अनपढ़ वो होता है जिसके सामने पर्दा होता है, जो हकीकत को देख नहीं पा रहा होता क्योंकि उसके पास इल्म नहीं है, इल्म का नूर नहीं। हम कहते हैं तो जाहिल है, कोरा जाहिल है, कहते ना जाहिल है। तो जाहिल के जाहिल जोहल कहते हैं पर्दे को, कि सामने चीज हो उसको समझ ही ना आए क्योंकि वो तो उसने उसको तो आता ही नहीं है, पढ़ा लिखा नहीं है। तो अबू जहल शुरू हो गया। और यहां पर हजरत उमर रजी अल्लाह तआला अन्हु को जो है क्या खिताब मिला? फारूक का। क्या खिताब मिला? फारूक। और फारूक किसको कहते हैं? कुरान कहता है तबारक अल्लज़ी नज़ल अल फुरकान अला अब्दिही, के पाक है वो ज़ात जिसने अपने बंदे पे फुरकान को नाजिल किया। तो ये फुरकान फारूक कहते हैं तफरीक करने को, फर्क करने को, जो हक और बातिल के दरमियान तफरीक कर दे, जो एक चीज को वाज़े कर दे, तो उसको कहते हैं फारूक। तो एक का तो खिताब है उम्र फारूक और एक को कहा जाता है उमर बिन हशाम को अबू जहल। पता है, अब जो शख्स इतना ज़हीन हो, जो शख्स अरबी भी समझता हो, जो अबुल हकम भी हो, और वो हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की दावत को कबूल ना करें, और वो जो है वो इस्लाम को कबूल ना करें, और ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब वो ना जानता हो, तो ये कैसे हो सकता है कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब वो नहीं जानता था? जिस कलमे को हम पढ़ते हैं ना ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, अगर अबू जहल को पता होता ना कि ये कलमा पढ़ के ऐसी ज़िंदगी गुजारनी है जैसे मैं और आप गुजारते हैं, तो वो भी पढ़ लेता। लेकिन उसको पता था, कहता ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह का मतलब ये नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह एक निज़ाम का नाम है, एक पैगाम का नाम है। वो जो एक जो स्टेटस को की जो हुकूमत थी मक्का के अंदर, उसको चैलेंज करने का नाम है कि अगर मैंने ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया तो फिर ये जो पूरा निज़ाम हम मक्का का चला रहे हैं और जिस पे हमारा कंट्रोल है, तो ये सारा कंट्रोल ख़त्म हो जाएगा। ये सारा जो है वो ये निज़ाम जो है वो फिर बदल जाएगा। इसलिए वो आखिरी दम तक जो है वो रुकावट बना रहा। आप मेरी इस बात को जहन में रखें। तो इसीलिए उसको क्या कहा जाता है? अबू जहल। कि समझते जानते बूझते हुए क्या हुआ कि वो जो है वो जाहिल बना रहा और उसने हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हिमायत नहीं की, कलमा नहीं पढ़ा। तो आप देख लें अबू जहल उसका। तो अब एक बात समझें कि उस जमाने में अब ये जो तबकात थे, जो मुशरिकीन मक्का थे, मुशरिकीन मक्का आखिरी वक्त तक जो है वो लड़ते रहे। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हिजरत करके आए मदीना मुनव्वरा, तो मदीना मुनव्वरा में फिर जंगें मुसल्लत कर दी। भाई जंग किसने मुसल्लत की? मुशरिकीन मक्का लेके आए ना। ग़ज़वा बदर हुआ, ग़ज़वा उहद हुआ, फिर अहज़ाब हुआ, फिर तबूक हुआ, कितने ग़ज़वात हुए। तो सारे ग़ज़वात हो रहे हैं। ग़ज़वा अहज़ाब में तो प्लान ये था, अहज़ाब हिज्ब की जमा है, हिज्ब कहते हैं जमात को, और अहज़ाब का मतलब है सारी जमातें, पूरा सरजमीन अरब मिलकर आया कि बस मुसलमानों को ख़त्म कर दिया जाए। तो लेकिन क्या हुआ? अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने क्या किया? मुसलमानों को सुरखरू किया। तो सबसे पहले आपने चैलेंज किसको किया? वो एक जो निज़ाम था अरबों का, एक कबायली निज़ाम था, उनकी हाकमियत थी, उनका कंट्रोल था बैतुल्लाह के ऊपर, वो पूरे सरजमीन अरब पर जो ये जो मुशरिकीन मक्का थे ये क्या इंजॉय करते थे, ये कस्टोडियंस हैं मक्का के, और ये इनको एक स्टेटस हासिल था, VVIP स्टेटस। स्टेटस पूरी दुनिया में ये जाते थे, कहते थे वो ये कौन है, ये अरब मुशरिकीन मक्का है, अरब मक्का के कस्टोडियंस हैं। तो वो सारा निज़ाम उनके हाथ से चला गया। तो अब वो सबसे बड़े दुश्मन
اولین دشمن. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے آئے مدینہ منورہ, تو مدینہ منورہ کے اندر اب آپ کا واسطہ کن سے پڑ گیا؟ مشرکین مکہ تو تھے مکہ میں, یہاں پر تھے بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو کینکا, یہ تین بڑے یہود تھے, یہود کے قبائل تھے بنو نذیر, بنو قریظہ, بنو کینکا. اور خیبر کے اندر پورا علاقہ, آپ حضرات گئے جب عمرہ کرنے جائیں نا تو خیبر جائیں, خیبر پورے خیبر کے اندر یہود رہا کرتے تھے. اب یہ یہود جو تھے ان کا پورا کنٹرول تھا مدینہ منورہ کے اوپر. دیکھیں کنٹرول کیسے, معاشرت کے اوپر بھی, معیشت کے اوپر بھی اور سیاست کے اوپر بھی. معیشت کے اوپر کیسے کہ سارے باغات کس کے ہیں؟ ان کے ہیں. وہ جو کنواں ہے جس کو حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے آداد خرید کا جو وقف کیا وہ کس کا تھا؟ یہودی مالک تھا. پھر اسی طریقے سے یہ کیا کرتے تھے, لون دیتے تھے, ادھار دیتے تھے سود کے اوپر. جتنے عرب تھے انصار سارے ان کے غلام, اور ان کے پاس کام کرنا, تو یہ جس کو کہتے ہیں معیشت تجارت, اس کے اوپر اکانومی پہ پورا قبضہ کس کا ہے؟ یہودیوں کا. اس کے بعد معاشرت کیا کہ یہود کا جو لباس تھا وہی سارے لباس پہنتے تھے, یہودیوں کی طرح سے چلنا پھرنا کھانا پینا ہر طریقہ یہودیوں کی طرح ہوتا تھا. جیسے آج ہے نا ہماری جو معاشرت ہے وہ تو غیروں کے طریقے پہ, ہمارا لباس کھانا پینا اٹھنا بیٹھنا, بلکہ سوچ بھی ویسی ہو گئی ہے. اور تیسری چیز کیا تھی؟ سیاست. سیاست بھی ان کے کنٹرول میں, اور لوگ مذہبی فیصلے بھی ان کے پاس کرانے کے لیے آتے تھے. وہ کہتے تھے کہ ہم جو ہے وہ اہل بک ہیں, ہمارے پاس تورا ہے, اور تورا کو دیکھ کر وہ فیصلے کیا کرتے تھے. تو لوگ جو ہے ہر طرح سے ان کے غلام تھے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم آئے اور آ کر آپ نے تو قرآن پڑھنا شروع کر دیا. آپ نے تو کہا بھئی اب تورا زبور انجیل جو ہے وہ اس آسمانی کتابیں ہیں, لیکن اصل کیا ہے؟ اب قرآن ہے. اور نبوت جو ہے وہ میں نبی ہوں, اور نبی کس میں آئے؟ بنی اسماعیل میں سے آئے. وہ انتظار میں بیٹھے تھے, یہود بیٹھے تھے کہ بھئی وہ کس میں آئیں گے؟ بنو اسحاق میں سے آئیں گے. الذین یعرفونہ کما یعرفون ابناءہم, کہ وہ حضور کو ایسے پہچانتے ہیں جیسے لوگ اپنے بیٹوں کو پہچانتے ہیں, لیکن کیا حسد کی وجہ سے جو ہے وہ حضور کے اوپر ایمان نہیں لائے. حسد کیا تھا کہ یہ تو ہمارے قوم میں سے نہیں, ہمارے جو نسلن جو انبیاء جس نسل سے آ رہے ہیں اس میں سے نہیں ہیں, تو اب سب سے بڑے مخالف وہ. اور پھر جو ہے جو مدینہ کے اندر جو عرب رہتے تھے, جو جن کا سردار عبداللہ بن ابی بن سلول تھا, یہ منافقین ان کا سردار, یہ جو ہے یہ اس کا تاج تیار ہو چکا تھا اور یہ بالکل مدینہ کا بادشاہ بننے والا تھا. لیکن کیا ہوا کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے آنے سے اس کی تاج پوشی جو ہے وہ ملتوی ہو گئی. اب اس کو کس بات کا غصہ تھا کہ بھائی میں تو بادشاہ بننے والا تھا, میں تو امیر بننے والا تھا, تو ان لوگوں نے کیا کیا محمد کے آنے سے کیا ہوا کہ میرا یہ پورا پلان چوپٹ ہو گیا. اب دیکھیں یہود دشمن, مدینہ کے انصار جو رہنے والے عرب تھے وہ دشمن, اور مشرکین مکہ دشمن. اب یہ حضور سب کو چیلنج کر رہے ہیں. آج چھوٹی سی حکومت چلی جاتی ہے نا کسی کی تو کیسا چیختا ہے, ایسے چیخیں گے کہ بس آپ دیکھیں نا کیا ہو رہا ہوتا ہے. تو جس کا پورا ایک نظام چلا رہا ہے اور وہ نظام ہٹا دیا جائے تو وہ چیخے گا نہیں, وہ آخر تک حضور کا دشمن رہا. تو لہذا اب یہ سارے دیکھیں آپ کے دشمن ہیں. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے آپ, میں مختصراً آپ کو نا کربلا تک پہنچاؤں گا انشاءاللہ, اور کھلے دل سے سنیں تاکہ آپ کو یہ بات سمجھ میں آ جائے. اب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فتح مکہ کا موقع ہے, ٹھیک ہے, اور فتح مکہ کے موقع پر آپ داخل ہوتے ہیں مکہ کے اندر, اور آپ اللہ تعالیٰ آپ کو فتح عطا فرماتا ہے. اب آپ دیکھیں کہ 10 سال کے اندر پورا سرزمین عرب جو ہے وہ اسلام میں داخل ہو چکا, اور خطبہ جب آپ نے حجت الوداع کا دیا ہے اس وقت میں 125,000 صحابہ کرام موجود تھے, 125,000 صحابہ کرام. اور کوئی سوچ سکتا ہے کہ ود ان فیو ایئر اتنا بڑا انقلاب آیا, اور اللہ تعالیٰ نے جو ہے اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ اللہ کی مدد بھی آ گئی, اللہ کی فتح بھی آ گئی, اور آپ دیکھیں گے لوگوں کو کہ ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا, کہ لوگ جو ہے وہ جوک در جوک داخل ہو رہے ہیں اسلام کے اندر. اب کیا ہوا, اب جو لوگ طاقت دیکھ کر, مسلمانوں کی طاقت کو دیکھ کر, شوکت کو دیکھ کر, وہ بھی مسلمان ہو گئے. انہوں نے کہا بھائی اب تو گزارا نہیں ہے نا, اب تو آپشن ہی کوئی نہیں ہے. تو اب اس وقت تک میں آپ کو بتا دیتا ہوں مسلمانوں کی قسمیں. اس وقت تک
فتح مکہ تک. ٹھیک ہے, سب سے پہلے جو اسلام کے اندر جن کا اللہ تعالیٰ نے جن کو اعزاز دیا ہے نا, وہ سب سے پہلے صحابہ کرام میں سے کون سے ہیں؟ وہ مہاجر صحابہ, اور وہ سابقون الاولون من المہاجرین والانصار. اللہ کہتا ہے رضی اللہ عنہم ورضوان, یہ سابقون الاولون ہیں, جو پہلے سالوں میں مسلمان ہوئے شروع کے اندر مکہ کے اندر, وہ صحابہ کرام. پھر اس کے بعد جو مہاجر صحابہ کرام, پھر انصار, پھر بدری صحابہ. بدری صحابہ میں کون ہیں؟ مہاجر بھی ہیں اور انصار بھی ہیں, احد, جو جنہوں نے احد میں شرکت کی. پھر اس کے بعد جو فتح مکہ کے موقع پر جو لوگ مسلمان ہوئے ہیں ان کو کہا جاتا ہے طلقاء. یہ ان میں بہت سارے ایسے لوگ تھے جو صرف ظاہراً اسلام لائے تھے, طاقت کو دیکھ کر, قوت کو دیکھ کر, شوکت کو دیکھ کے, کہ بس اب کوئی آپشن نہیں ہے, دل سے مسلمان نہیں ہوئے تھے. ایک طبقہ وہ اس کو کہتے ہیں جس کو حضور نے فرمایا انتم الطلقاء, تم سب طلقاء ہو, آج کے دن تم سب کی معافی ہے. تو اب آپ دیکھیں سب سے پہلے کون ہو گئے؟ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, پھر صحابہ خلفائے راشدین حضرت ابوبکر صدیق, حضرت عمر, حضرت عثمان, حضرت علی, پھر عشرہ مبشرہ. عشرہ مبشرہ میں چار یہ خلفائے راشدین, طلحہ, زبیر, عبد الرحمن بن عوف, سعد بن ابی وقاص اور حضرت سعید بن زید. یہ 10 صحابہ ہیں جن کو کہا جاتا ہے عشرہ مبشرہ. ٹھیک ہے, اور پھر ان کے بعد بدری صحابہ 313 صحابہ, پھر احد کے اندر شرکت کرنے والے, یہ صحابہ کرام ہیں. تو صحابہ کرام ان کا سب سے افضل مقام, اور پھر اس کے ان کے درمیان ہی اہل بیت عظام ہیں. اہل بیت وہ جو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر والے ہیں, اور اہل سنت والجماعت کے نزدیک اہل بیت کس کو کہتے ہیں؟ اہل بیت کہتے ہیں تمام ازواج حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, تمام بنات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی, اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام اولاد, اور پھر حضرت حسن, حضرت حسین, حضرت فاطمہ اور حضرت علی رضی اللہ عنہ. حضرت علی کو آپ نے اپنی چادر کے نیچے داخل کر کے کہا ہا اولائی بناتی, ہا اولائی یہ بیتی, یہ میرے بچے ہیں, میری بیٹی ہے, یہ میرے بیٹا ہیں, بیٹے ہیں, اور یہ میرے گھر والے ہیں. تو حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ, تو یہ اہل بیت ہیں. تو اہل بیت کا مقام دو حیثیتوں سے ممتاز حیثیت رکھتا ہے, کیونکہ ایک تو وہ اہل بیت ہیں, دوسرا وہ صحابہ کرام ہیں. اب یہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اعزاز دیا. ٹھیک ہے جی, اب پھر واپس پہنچے ہیں فتح مکہ کے موقع. اب یہ ہوا, لوگوں کو ہوا کہ بھائی اب تو بس اسلام ہی ہے, اسلام کو قبول کر لو, اور لوگوں کے ذہن میں تھا کہ بھائی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ جو شخصیت ہے نا, یہ سارا جو سلسلہ چل رہا ہے یہ کس کے بلبوتے پہ چل رہا ہے؟ یہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بلبوتے پہ چل رہا ہے. تو لہٰذا جب تک تو یہ زندہ ہے معاملہ چلے گا, جب ان کا انتقال ہو جائے گا کیا ہوگا؟ معاملہ ختم ہو جائے گا. اس لیے کوشش کی گئی, کتنی دفعہ اٹیمپٹ کیا کہ ان کو قتل کیا جائے, شہید کیا جائے, پھر زہر بھی دیا نا یہودی عورت نے, اسی زہر کے نتیجے میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شہادت بھی ہوئی. تو لہٰذا اب جب حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا انتقال ہو گیا, تو ایک بہت بڑا طبقہ کھڑا ہوا جو مرتدین تھے, جنہوں نے ارتداد کر دیا. اب لوگ کیا ہو گئے؟ جوگ در جوگ اسلام سے نکلنا شروع ہو گئے. انہوں نے کہا حضور چلے گئے, ختم, بس اب یہ عمارت اسلام کی گر جائے گی. اب وہ جو طبقہ تھا, دیکھیں جب انقلاب آیا, ایک ریولیوشن آتا ہے, اس کا ایک کاؤنٹر ریولیوشن نیریٹو بھی تو بلٹ ہوتا ہے نا. تو ایک طبقہ ہوتا ہے وہ بیٹھ جاتا ہے, وہ کہتا ہے اچھا جی جب دیکھیں گے, ابھی تو یہ طاقت میں ہے نا, جب وقت آئے گا تو دوبارہ کھڑے ہوں گے. انہوں نے کہا وہ یہ تو دوبارہ وہی وہ ہو گیا, بس اب حضور گئے, اب نظام ختم, دوبارہ ہمارا نظام شروع ہو جائے گا, اب لوگ جو ہے مرتد ہونا شروع ہو. ایک اور دوسرا, ایک طبقہ مسلمہ کذاب کھڑا ہو گیا جس نے نبوت کا دعویٰ کر دیا, اور پھر اسی طرح سے ایک طبقہ کھڑا ہو گیا جو مانعین زکوٰۃ تھے, وہ کہتے تھے کہ بھئی یہ زکوٰۃ جو ہے یہ مال ہمارا, مال مویشی, اونٹ, ہر چیز ہماری, کمائیں ہم, محنت ہم کریں, اور اس کو جا کے 40واں حصہ جا کے کس کو دے دیں؟ اس کو دے دیں, قاضی کو دے دیں, بیت المال میں جمع کرا دیں. انہوں نے کہا نہیں بھائی یہ کام ہم نہیں کریں گے. مانعین زکوٰۃ وہ تھے جو کہتے تھے کہ زکوٰۃ کے منکر نہیں تھے, وہ کہتے تھے زکوٰۃ ہم آپ کو نہیں دیں گے, ہم خود استعمال کریں گے. تو لہٰذا ایک گروپ وہ کھڑا ہو گیا. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ نے ان کے خلاف کیا کیا؟ جہاد کیا. حضرت عمر نے حضرت ابوبکر صدیق کو مشورہ دیا کہ نہیں نہیں, ابھی حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دنیا سے تشریف لے گئے ہیں, تو ابھی اگر ہم جنگ شروع کر دیں گے تو اس کا ایک امپیکٹ غلط پڑے گا. حضرت ابوبکر صدیق نے کہا نہیں,
अगर इस वक्त मैंने इन फितनों को नहीं कुचला तो ये तो फिर देखा देखी तो सारे निकलना शुरू हो जाएंगे। तो हज़रत उमर बाद में कहा करते थे कि हज़रत उमर, हज़रत अबू बकर के मेरे पे दो एहसान हैं जो मैं सारी ज़िंदगी नहीं उतार सकता। एक उस मौके पर जिस मौके पर हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हुआ और मैं जोश जज्बात में निकला और मैंने तलवार उठाई और कहा मन कान याबुदु मोहम्मद, कि जो ये कहे कि मोहम्मद जो है का इंतकाल हो गया है तो मैं उसकी गर्दन उड़ा दूंगा। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक को बताया गया कि उमर ये बात कर रहे हैं। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आए और आकर वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल कद खलत मिन कब्लिहिर रुसुल अफइन माता व कुतिल अनकलमतुम अला अकाबिकुम वमन यनकलिब अला अकिबैहि फलन यज़ुरल्लाह शैआ, कि मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी अल्लाह के रसूल हैं। वमा मुहम्मदुन इल्ला रसूल, वो अल्लाह के रसूल हैं। कद खलत मिन कब्लिहिर रुसुल, उनसे पहले भी कई अंबिया गुजर चुके। अफइन माता व कुतिल अनकलमतुम अला अकाबिकुम, अगर उनको मौत आ गई या वो मर जाएंगे या उनको अगर कत्ल कर दिया गया तो क्या तुम लोग क्या उल्टे पैर फिर जाओगे। तो हज़रत उमर कहते हैं जब ये आयतें मैं सुन रहा था तो मुझे ऐसा लग रहा था कि ये आयतें इसी वक्त के लिए नाजिल हुई हैं। और फिर मैंने कहा, हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने क्या कहा कि मन कान याबुदु मुहम्मदन फइन्ना मुहम्मदन कद माता, कि जिस जो इबादत करता था मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इंतकाल हो गया। और मन कान याबुदुल्लाह, और जो अल्लाह की इबादत करता है फइन्नल्लाह हय्यु ला यमूत, कि अल्लाह जिंदा है, अल्लाह को मौत नहीं आती। तो हज़रत उमर कहते हैं कि उस वक्त मेरा वो मोहब्बत का जज्बात का एकदम पर्दा हटा, तो मैं इस एहसान को अबू बकर के कभी नहीं उतार सकता। और दूसरा, जब ये मुसैलमा कज़ाब मानी ने ज़कात और मुर्तदीन के खिलाफ मेरी राय के खिलाफ जाकर सही फैसला किया, तो अब आप देखें कि वो ये सारे दुश्मन थे, ये सारे दुश्मन थे, ये सारे ग्रुप थे जो इस्लाम के मुखालिफ थे। देखें इस्लाम ने आके किसको चैलेंज किया था, इस्लाम ने आके चैलेंज किया दो बड़ी कुव्वतें, सुपर ताकतें थी, रोम और फारस। और इस्लाम ने आके उनको चैलेंज किया जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दुनिया से चले गए। फिर हज़रत अबू बकर सिद्दीक आए। हज़रत अबू बकर सिद्दीक कितने साल तक रहे, 2.5 साल तक कंट्रोल। अच्छा, लोगों ने कहना शुरू कर दिया अबू बकर तो हुजूर के साथी हैं, वो तो वही उनके राइट हैंड है। तो अबू बकर के बाद सारे मामला ख़त्म हो जाए, फिर इस्लाम की इमारत ख़त्म, इमारत मुनहदिम। अल्लाह ताला ने अबू बकर सिद्दीक से क्या काम लिया, हज़रत अबू बकर सिद्दीक का इंतकाल हो गया। हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने जिंदगी में कहा कि मेरे बाद खलीफा कौन होगा, उमर होगा। क्यों, लोकान आबादी नबीउल लकान उमर इब्न खत्ताब, मेरे बाद अगर कोई नबी, वो हुज़ूर ने फरमाया वो अगर मेरे बाद कोई नबी होता तो उमर इब्न खत्ताब होता। तो ये लेकिन अना खातमुन नबी ला नबी आबादी, मैं आखिरी नबी हूँ, मेरे बाद कोई नबी नहीं। ये हज़रत उमर की शान बयान की। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने कहा कि भाई ये मेरे बाद खलीफा होंगे। तो हज़रत अबू बकर सिद्दीक के बाद हज़रत उमर खलीफा बन गए। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, फिर देखिए लोग जो है ना हज़रत उमर को पहचानते नहीं हैं। हज़रत उमर ने एक आजी इंकिसारी के साथ, जब कोई बड़ा आदमी आजी इंकिसारी करे ना तो जो आम आदमी होता है ना वो उसको और हल्का लेना शुरू करते हैं। वो कहता है इसकी क्या ऐसी तैयारी, तो आम आदमी है, ऐसी आता है ऐसी बैठ जाता है, कोई हटो बचो नहीं है, कोई प्रोटोकॉल नहीं है, कोई वो नहीं है। तो लोग क्या करते हैं, फिर लोग उसको वैसे ही ट्रीट करना शुरू कर देते हैं। हमारा माशरा ऐसा है ना। तो हज़रत उमर ने एक दफ़ा उनकी वो है कि उन्होंने कहा कि उमर, हज़रत उमर अक्सर अपने आप को मुखातब करके कहते हैं उमर तेरा बाप तुझे जो है वो मारा करता था, उमर तू तो ऊँट नहीं सही चला सकता, और जो है और उमर जो है आज 22 लाख मरबा मील का जो है वो हाकिम है। तो हज़रत उमर ये बात आजी इंकिसारी में करते थे। अब ये मेरा बेटा है वो अब्दुल वाली है, उससे आप सारे काम करा लो, वो किले भी ठोक देगा, सब कुछ कर देगा, और ये कील भी नहीं ठोक सकता, इसको आप दें थोड़ी, ये थोड़ी गिरा देगा। तो मैं इसको बोलता हूँ यार तू क्या कर रहा है यार, और जहानत देखें इसकी, जहानत माशाल्लाह, और उसको देखें, इसको दोनों बेटे हैं ना। हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बहादुर इंसान थे, पहलवान थे, उस जमाने के जो थे वो जैसे आजकल मिस्टर क्या कहते हैं उसको, WWF जो होता है ना चैंपियन, वो चैंपियन थे, कोई उनका मुकाबला नहीं कर सकता था, ऐसे पिछाड़ते थे। और उसके बाद बेहतरीन घुड़सवार थे, नंगी पीठ के ऊपर घोड़े के ऊपर सवारी करते थे, दौड़ते हुए बैठ जाते थे, और बेहतरीन शह सवार और बेहतरीन स्विमर थे, जबरदस्त किस्म की स्विमिंग करते थे। और आप जो थे बेहतरीन जो थे वो कातिब थे, आपको लिखना आता था, यानी क्यों कि वो बड़े आला खानदान से ताल्लुक था उनका, और बहुत ही। तो एक एक बच्चा हो वो जाता हो ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी में, एक बच्चा माशाल्लाह शहजादों की तरह पलता हो, उसको आप पाकिस्तान ले जाए, बकरा ईद पर ले गया, मैंने कहा यार बकरियों को चलाओ, बकरों को कहीं भाग रहे हैं उसको देख के,
भाग रहे हैं वो बकरे टांग, और वहां के बच्चे बकरों के ऊपर चढ़े हुए हैं, वहां के बच्चे गाय के ऊपर चढ़े हुए, हमारे बच्चे भाग रहे हैं, करीब ही नहीं जा रहे। तो अब क्या है इसका क्या मतलब? मतलब ये कि उमर ने वो आजीन के सारी के साथ कहा था कि वो ऊंट चला रहे हैं, वो कहते मेरे बस का काम ये नहीं है। तो अल्लाह ताला और हुजूर ऐसे ही देखें, हमारे जो मैं नाम नहीं लेता जो हजरत उमर को ये बात करके हजरत उमर की तौहीन करते हैं, मैं उनको पैगाम दे रहा हूं कि हजरत उमर यानी अल्लाह के रसूल ऐसी शख्सियत को अल्लाह से मांग रहे हैं कि जिसको ऊंट चलाने नहीं आते। यार अकल की बात लो। मैंने अभी आपको अबू जहल के बारे में बताया, तो अबू जहल के मुकाबले के थे हजरत उमर रजी अल्लाह ताला। तो हजरत उमर जब बने तो अल्लाह ताला ने कैसे 10 साल तो ऐसा सिलसिला चला कि आप देखें कि देखें फारस तो बिल्कुल खत्म हो गया, पर्शिया जो है उसका नामो निशान मिट गया, उनकी हजार साला जो थी ना हुकूमत नस्ल दर नस्ल चलने वाली वो खत्म हो गई। क्योंकि जब हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खत लिखा रोमन एम्पायर को और कैसर को और किसरा को, तो जो खुसरो परवेज था उसने तो खत लिया और उसके टुकड़े टुकड़े कर दिए, डिसरिस्पेक्ट किया हुजूर के खत को। तो उसका नतीजा ये निकला कि उसकी जो हुकूमत थी उसकी जो पूरी जो एम्पायर थी वो टुकड़े टुकड़े हो गई। हुजूर ने फरमाया कि इसकी जितनी बड़ी एम्पायर है सब खत्म हो जाएगी। और जो रोमन था उसने क्या किया, उसने वो खत को लिया और चूमा, माथे पे रखा, उसने कहा कि अगर मुझे ये खौफ ना होता ना कि ये बड़ी एम्पायर का मैं वो हूँ और मेरे जो जनरल हैं, तो मैं ये हकीकी मानों में सच्चा शख्स है और मैं ईमान ले आता। हबशा का जो बादशाह था नजाशी वो कौन था, ईसाई था। आप देखें कि पर्शियन एम्पायर पूरी खत्म हो गई और रोमन जो है वो पूरे अफ्रीका से निकल गए, अरब से निकल गए। मुसलमानों ने जब रोमन को निकाला तो अफ्रीका और अरब से वो खत्म, गज़वा मौता में सब खत्म हो गया। लेकिन उस खत की इज्जत की बरकत से आज भी रोम भी कायम है और ईसाइयत भी कायम, और आपको कहीं ना कहीं आपको उनकी हुकूमत नजर आती है। तो अब ये हजरत उमर की दुश्मनी खड़ी हो गई, सबसे बड़े दुश्मन कौन, ये ईरानी और ये मजूसी, ये सबसे बड़े दुश्मन थे। देखिए एक बात मैं आपसे अर्ज करूं, ये जो गुलाम था फिरोज अबू लूलू, इसके अंदर इतनी हिम्मत कहां से आ गई, इसके अंदर कहां से इतनी हिम्मत आ गई? ये पूरी प्लानिंग थी, पूरी साजिश थी। और वो साजिश क्या थी कि बदला दिया जाए हजरत उमर से, कि इन्होंने ये जो इतनी बड़ी एम्पायर को खत्म किया, हुरजमान को जो छोड़ा हजरत उमर ने, हजरत उमर देखें वो वर्ड्स मैन ऑफ द वर्ड्स थे, उन्होंने जो बात की उसने कहा जो पानी जब पकड़ के लाया गया ना, कैद करके लाया गया उसको, तो उसने कहा उमर मुझे जो है वो पानी पिलाया जाए। तो जब जंगी कैदी हो उसको अगर पानी पेश कर दिया जाए तो जब तक वो पानी ना पिए उसको मारा नहीं जाता, ये तो बेगैरती की बात है, आप पानी दें उससे पहले उसको मार दें, पीने दो भाई। तो उसने क्या किया, वो पानी जो है ज़मीन पे फेंक दिया, और ज़मीन पे फेंक के कहता उमर को, हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला को, कि भाई उमर तुमने मुझे अमान दी थी जब तक मैं पानी ना पीऊँ मुझे मारोगे नहीं, तो पानी तो मैंने पिया नहीं और वो पानी तो मैंने ज़मीन में डाल दिया, वो ज़मीन ने पी लिया। तो हजरत उमर ने कहा चलो ठीक है, हमने इसको अमान दी थी पानी पीने की ज़िंदगी की, इसको माफ़ कर। वो हजरत उमर रज़ी अल्लाह तआला का फैसला था ना, अब उसने पूरी प्लानिंग की और ये फिरोज अबू लूलू मौजूसी को इस्तेमाल करके हजरत उमर को शहीद करवाया। ठीक है जी, हजरत उमर 22.5 लाख मुरब्बा मील के ऊपर हजरत उमर की हुकूमत। अच्छा लोग कहते थे कि अब उमर है ना भाई, उमर का मुकाबला कौन करेगा, इंतजार करो उमर के जाने का। तो अल्लाह ताला हजरत उमर गए और फिर अल्लाह ताला ने किसको, हजरत उमर जब जख्मी हो गए तो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने एक शूरा बनाया। क्या बनाई? शूरा बनाया। ये बात आप ध्यान में बिठाएं, किसको? हजरत तलहा, हजरत जुबैर, हजरत अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत अली रजी अल्लाह तआला अन्हु, ये एक शूरा 6 आदमियों की बनाई और कहा ये फैसला कर लें कि कोई जो है खलीफा होगा। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या कहा कि मेरे नमाज का जो इमाम है, जब हुजूर ने हजरत अबू बकर सिद्दीक को खड़ा किया नमाज के लिए, तो हजरत उमर ने कहा कि जो हमारे दीन का इमाम है वही हमारी दुनिया का इमाम है। हजरत अबू बकर सिद्दीक ने हजरत उमर को नामजद कर दिया। हजरत उमर ने क्या किया, 6 लोगों की शूरा बना दी। ठीक है, और वो 6 लोग फैसला करेंगे, हजरत अली खलीफा होते हैं या हजरत उस्मान होते हैं, और उनमें कौन है, अब्दुर्रहमान बिन औफ, हजरत तलहा, हजरत जुबैर और हजरत साद बिन अबी वक्कास। अब ये लोग फैसला करेंगे। ठीक है, अभी मैं उस डिटेल पर नहीं जा रहा, वो फिर लंबी बात हो जाएगी।
अब उन्होंने छह को बनाया, उन्होंने फिर किसको मुंतखब करके बनाया, किसको बनाया, हजरत उस्मान रजी अल्लाह, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला बन गए। अब जब हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला बने तो अब आप देखिए, अब दुश्मन कितने हैं, अरब दुश्मन है, पर्शियन दुश्मन है, रोमन दुश्मन है, ये सारे दुश्मन है ना। अब एक शख्स है, एक किरदार है, उसको अब्दुल्लाह इब्ने सबा कहा जाता है, ये यहूदी नस्ल है, ये आता है बज़ाहिर मुसलमान कलमा पढ़ता है और ये आता है और ये आकर ये मुनाफिक है, ये आकर अब मुसलमानों में तफरका डालना शुरू कर। शुरू के 10 साल हजरत उमर, हजरत उस्मान के बेहतरीन गुजरे, हजरत उस्मान रजी अल्लाह तआला बिल्कुल तसलसल था, किसका, हजरत उमर का, और कोई इशू नहीं, कोई कुछ नहीं। अब ये प्लानिंग इन्होंने शुरू की, इनको मौका मिला असबियत को उभारने का। हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ताल्लुक था बनू हाशिम से, और हजरत अबू बकर का बनू ती से, हजरत उमर का बनू आदी से, और हजरत उस्मान का बनू उमैया से। ये जो बनू उमैया बनू हाशिम है ना, इनकी आपस में नहीं लगती थी, ये आपस में जो है ना एक दूसरे के साथ इनकी चलती रहती थी, चपकलिश चलती थी, जैसे खानदानों में चलती है, इन दोनों की चलती थी। अब उनको मौका मिल गया कि वो पुरानी असबियत उभारने का, उस्मान के बारे में प्रोपोगंडा करना शुरू। और तरीक़ेकार क्या था कि भाई दमिश्क के अंदर मक्का के गवर्नर के खिलाफ बातें, मक्का के अंदर मदीना के गवर्नर के खिलाफ बातें, मदीना के अंदर कूफा के गवर्नर, इस तरह से एक टोला बना के। और क्या इल्ज़ाम लगाना शुरू किया, इल्ज़ाम लगाना ये लोग शुरू किया कि हजरत उस्मान जो है वो क्या कर रहे हैं, अपने अजीज़ो कारिब को नवाज रहे हैं, वो क्या कर रहे हैं, अपने अजीज़ो कारिब को जो है वो बड़े बड़े हदिये देते हैं। अच्छा, मेरे पास वक्त नहीं है ना, क्योंकि मैं अभी आपको वहाँ पहुँचाना है, मैंने 10 मिनट के अंदर अंदर। तो ये हजरत उस्मान के ये प्रोपोगंडा करना शुरू, और मौका मिल गया उस असबियत का, दोनों चीज़ों का। अब देखें, एक ग्रुप खड़ा हो गया जिसको सबाई टोला कहा जाता है, जो फसादी टोला है, फितना पैदा करना। उन्होंने उस्मान रजी अल्लाह तआला को शहीद किया, कहाँ पर किया, उनके घर के अंदर किया, मदीना मुनव्वरा के अंदर किया। हज़रत उस्मान ने फरमाया कि मैं नहीं चाहता कि मेरी वजह से दो मुसलमान ग्रुप आपस में लड़ें, और हुज़ूर ने फरमाया अगर तलवार एक दफ़ा नियाम से निकल आई तो वो दोबारा नियाम में नहीं जाएगी। देखें, इज़ वेरी ईजी टू स्टार्ट द फाइट, स्टार्ट द वॉर, इज़ वेरी ईजी, बट वेरी डिफिकल्ट टू फिनिश द वॉर एंड फाइट। ऐसे आसान काम नहीं होता, अभी लड़ जाओ, दो बंदे लड़ जाए बहुत आसान है, उनकी सुलह कराना, अमन कराना बड़ा मुश्किल काम है। इसलिए कहते हैं बिफोर स्टार्टिंग द फायर प्लीज़ 100 टाइम यू हैव टू थिंक अबाउट इट। जंगे करना आसान होता है, जंगे करना ख़त्म करना मुश्किल काम होता है। तो हज़रत उस्मान ने कहा मैं ये नहीं चाहता कि कल क़यामत के दिन मैं ज़िम्मेदार बनूँ कि मदीना मुनव्वरा की हुरमत का को पामाली की जाए, आपने अपनी कुर्बानी दे दी। जिनको हम क्या कहते हैं, शहीद मज़लूम, और हज़रत उमर की शहादत, हज़रत उस्मान की शहादत, ये शहादत है हिफाजत दीन के लिए, इकामत दीन के लिए। कितनी बड़ी शहादतें दी है ना। फिर उसके बाद आप आ जाएं, हज़रत उस्मान शहीद हो जाते हैं और फिर ग्रुप खड़े होते हैं। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बनू उमैया से ताल्लुक़ है, हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु गवर्नर हैं शाम के। हज़रत अमीर मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को किसने गवर्नर बनाया, हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने बनाया। और कौन है हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बरादर नस्बती हैं, कौन है जो है कातिबे वही हैं, और कौन है हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जो है वो हुज़ूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथी हैं, सहाबी रसूल हैं। तो अब उन्होंने कहा कि जी हज़रत अली से कि आप जो है जो कातिलान उस्मान हैं उनका बदला लें, जब तक आप इनका बदला नहीं लेंगे उस वक्त तक मैं आपके हाथ पे बैत नहीं करूँगा। अभी बैत हुई नहीं है ना, अभी तो बैत ही नहीं हुई, तो वो बैत तोड़ने का तो वो ही नहीं बनता कि भाई बैत ही नहीं की उन्होंने। वो कहते नहीं मैं करूँगा बैत, लेकिन आप पहले क्या करें, ये जो हज़रत उस्मान को जिन्होंने शहीद किया उनका बदला लें, तो मैं आपके हाथ में बैत करूँ। हज़रत अली का मौका ठीक था, हज़रत अली कहते थे पहले बैत करो और फिर हम मिलके हज़रत उस्मान के कातिलों का बदला लेंगे। तो हज़रत मुआविया कहते थे कि मैं बैत लेने के लिए वहाँ से निकलूँगा दमिश्क से और मदीना मुनव्वरा आऊँगा, तो क्या होगा कि बीच में जो है वो फिर क्या से क्या होगा और मुझे कत्ल कर दिया जाएगा। तो वो कहते थे नहीं, आप पहले क्या करें। अब देखें मुसलमानों के अंदर अब ग्रुप खड़े हुए, जंगें शुरू हुई। हज़रत अली ने इरादा किया कातिलाने उस्मान से कसास का, तो कूफा की मस्जिद में 10,000 लोग जमा हुए और उन 10,000 ने एक साथ ऐलान किया कि हम सब ने हज़रत उस्मान को कत्ल किया है, हम सब ने हज़रत उस्मान को कत्ल किया है। अब बताएं मुझे 10,000 से कैसा बदला लेंगे, आप कैसे लेंगे 10,000 से बदला, वो तो पूरी जंग है ना। तो लिहाजा अब क्या हुआ कि बाकायदा जो है वो जमी हुआ। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने मदीना मुनव्वरा छोड़ा
और आप कूफा चले गए, कूफा को आपने कैपिटल डिक्लेयर किया। अच्छा, मैं अभी टाइम नहीं है इतनी तफसील से इची बिची बयान नहीं कर सकता। हज़रत अली कूफा चले गए और जंग जमल हुई, जंग सिफीन हुई। देखें, जब जंग सिफीन हुई उस दौरान जब इतने 90,000 सहाबा इकराम शहीद हो गए, 90,000, ये कहना आसान है 90,000, तो फाइनली डिसीजन हुआ कि भाई कुरान रख के लेके आए, और वो लंबा वाकया है कि भाई ख़त्म करो इस झगड़े को, ख़त्म करो। तो हज़रत अली के ग्रुप में एक जमात खड़ी हो गई और उन्होंने कहा ये तो कुफर है कि आप लोगों को आपने हाकिम बना दिया, मूसा अशअरी को बना दिया हाकिम और हज़रत अमर बिन आस को हाकिम बनाया। हज़रत अमर बिन आस किसकी तरफ से थे? हज़रत मुआविया की तरफ से थे, हज़रत मूसा अशअरी हज़रत अली की तरफ से थे। तो एक ग्रुप खड़ा हो गया, तो ये कि आपने तो कुरान को छोड़ के लोगों को हाकिम बना दिया है, ये तो कुफर है। और उन्होंने खड़े होकर हज़रत अली की हिमायत ख़त्म कर दी। उनको क्या कहते हैं हम लोग? खवारिज। आपने नाम सुना है खवारिज? तो खवारिज किसको कहते हैं? जो हज़रत अली की हिमायत से निकले, उन्होंने खुरूज किया, उनको कहते हैं खवारिज। फिर हज़रत अली ने बकायदा उनके खिलाफ, पता है बकायदा जंग हुई है। फिर एक ग्रुप खड़ा हुआ, वो शियाने अली, वो हज़रत अली को खुदा बनाना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा अली अली तो तुम तो जो है वो खुदा हो, जैसे जो है अवतार हो, अवतार अवतार इंकारनेशन का जो है ना अकीदा है, तुम वो अवतार हो। उन्होंने हज़रत अली को खुदा ही बना दिया। हज़रत अली ने उनके खिलाफ जंग की, जंग नहरवान, और उनको कत्ल करवाया, उनको जो है वो उनको सबको जो है वो उनको कत्ल करवाया। तो अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने, अब ये एक सबसे पहला फ़िरका कौन सा खड़ा हुआ? खवारिज। और एक फिर उनके साथ एक ग्रुप और हो गया, वो जो हज़रत अली के हिमायती हो गए, उनको कहते हैं शियाने अली। ये दो ग्रुप हो गए, एक खवारिज एक शिया। अब हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जो है, अभी 10 मिनट हैं, हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जो है, अब इन खवारिज ने क्या प्लानिंग की? इन्होंने कहा ये जितना आलम इस्लाम के अंदर जो फसाद फैला हुआ है ना, बकौल उनके के जंगें हो रही हैं, 90,000 सहाबा शहीद हो गए हैं, ये तीन अफराद हैं, इन तीन अफराद को हटा दिया जाए तो सारे मामला ठीक हो जाएंगे। कूफा के अंदर हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला को, दमिश्क के अंदर हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला को, इजिप्ट के अंदर हज़रत अमर बिन आस रज़ी अल्लाह तआला, इन तीनों को कत्ल कर दिया जाए। प्लान किया, एक दिन वक्त तयन किया, और एक शख्स निकला अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जम, किसको कत्ल करने के लिए निकला? हज़रत अली को। और एक शख्स निकला हज़रत अमर बिन आस को, और एक निकला हज़रत मुआविया। अब हज़रत अमर बिन आस रात को सोए, तबीयत ख़राब, तबीयत ठीक नहीं, सुबह आप फजर की नमाज़ पढ़ाने गए नहीं, आप फजर की नमाज़ पढ़ाने नहीं गए। और जो शख्स फजर की नमाज़ पढ़ा रहा था वो पीछे उसने आया, उसने आके रोज़ तो वही पढ़ाते थे, उन्होंने उनको मार दिया। पता चला ये तो हज़रत अमर बिन आस है ही नहीं। हज़रत मुआविया जो थे ज़रा लहीम शहीम आदमी थे, हमला हुआ, वो हमला वो खंजर जो है उनके कूल्हे पे लगा, जब कूल्हे पे लगा तो वो बच गए। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने जो है वो अब्दुर्रहमान इब्ने मुल्जम जो था उसने क्या किया, वार किया, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला ने को जो है ज़ख्मी हो गए, बाद में वो शहीद हुए। हज़रत अली ने क्या किया, हज़रत हसन को सहाबा से कहा कि भाई ये हसन मेरा बेटा है, अगर तुम्हारा इत्तेफाक हो तो तुम इसको अपना खलीफा बना देना, वरना ये तुम्हारी सवाबदीद पे छोड़ता हूँ। देखिए हज़रत अली क्यों कि भाई अभी किसको कौन संभालेगा उम्मत को। अब हज़रत हसन, हज़रत अली का इंतकाल हो गया, हज़रत अली शहीद हो गए, ठीक है, हज़रत हसन खलीफा बन गए। अब हज़रत हसन खलीफा बने, 5.5 महीने 6 महीने तक हज़रत तकरीबन इतना अरसा हज़रत हसन खलीफा रहे हैं। अब हज़रत हसन रज़ी अल्लाह तआला ने फौज लेके निकले मदाइन के मकान पर, वहाँ से हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने आ रहे हैं। हज़रत अली कह रहे हैं हसन को कि देखो अगर मामला कंट्रोल से बाहर हो तो मुआविया, हज़रत मुआविया से सुलह कर लेना, और अगर उनको भी खो दिया तो फिर आलम इस्लाम का शिराज़ा बिखर जाएगा। और हुज़ूर क्या फरमाते हैं कि हादा इब्नी सैयद, ये हसन मेरा बेटा है और ये सरदार है, इसलिए सरदार है कि मुसलमानों के दो गुरों के दरमियान ये सुलह करवाए। अब हज़रत मदाइन जा रहे हैं, हज़रत हसन की फ़ौज भी है, हज़रत हसन की फ़ौज में जो उनका जनरल है वो क्या करता है, हज़रत हसन पे कातलाना हमला करता है, हज़रत हसन जो है ज़ख्मी हो जाते हैं। और एकदम एक अफवाह उड़ती है कि जी वो हमला हो गया और शिकस्त हो गई, और अंदर से ही अभी जंग शुरू ही नहीं हुई और अंदर से ही हज़रत हसन के साथ ये जो कूफ़ी है ना जो माशाल्लाह आज पीटते हैं, तो इन्होंने हंगामा बर्पा कर दिया, हज़रत हसन को भी ज़ख्मी कर दिया। हज़रत हसन बेचारे भाग कर उन्होंने मस्जिद की अंदर जान बचाई, पूरे काफिले को लूट लिया, पूरा लश्कर जो है उसका शिराज़ा बिखर गया। हज़रत हसन बैठे और तकरीर की, आपने फरमाया कि देखो
वो आदमी क्या जंग लड़ सकता है जिसका राइट हैंड का जो साथी है वही उसका मुनाफिक हो, दुश्मन हो, क्या जंग लड़ेगा? और जिसके साथी ये हो जिन्होंने अपने ही लश्कर को लूट लिया वो क्या लड़े? उन्होंने फौरन हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने को पैगाम पहुंचाया, कहा कि जी मैं सुलह करने के लिए तैयार हूँ। और हुजूर की इस हदीस पर पूरा अमल हो गया कि हादा इब्नी सैयद, मेरा बेटा सरदार है, मुसलमानों के दो ग्रुप में क्या करेगा, सुलह करवाएगा। और उन्होंने सुलह करवाई। और ये हजरत हुसैन का तस्करा बहुत है, हजरत हसन का तस्करा क्यों नहीं है? इसलिए क्या कहा उस वक्त, यारुल मुस्लिमीन या मुजिलुल मुस्लिमीन, ए हसन तूने मुसलमानों को जलील कर दिया, तुम तो आर हो, ये ताने दिए गए हजरत हसन को। हजरत हसन ने सुलह कर लिया, ठीक है जी। हजरत हुसैन भी मौजूद है, दोनों भाई गए, फौज का जो दो कमांडर थे वो साथ लेके गए दमिश्क और जाके सुलह की हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला अन्हु से। और 10 साल तक, ये सन 41 हिजरी की बात है, और नहीं सन 31 हिजरी की बात है, और फिर ये हिजरी में भूल रहा हूँ, सन 61 हिजरी में वाकया करबला हुआ है और हजरत हसन का इंतकाल हुआ है 51 हिजरी में, और ये बात है सन 41 हिजरी की, 40 हिजरी की। और 40 इसमें क्या हुआ कि सारा जो है हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला से मामला तय हो गया, ठीक है जी, सुलह हो गई। और हजरत मुआविया 20 साल तक मुसलमानों के हाकिम रहे हैं और इस्लाम कहाँ तक पहुँचा। अब हजरत हसन का इंतकाल हो गया 51 हिजरी में, हजरत मुआविया रजी अल्लाह तआला ने बैत लेना शुरू की, यजीद की बैत। तो और मशवरा किसने दिया? हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला ने। हज़रत मुग़ीरा बिन शोबा रज़ी अल्लाह तआला ने कौन है? आप सहाबी रसूल हैं, आप असहाबे शजरा हैं। असहाबे शजरा वो लोग जिन्होंने हुदैबिया के मौके पर जो है वो बैत की थी, जिनके बारे में कुरान ने कहा लकद रज़ी अल्लाह अनिल मोमिनीन ज़ुबायून लकद तहत शजरा, कि जिन्होंने दरख्त के नीचे बैत की अल्लाह उनसे राजी है। तो मुग़ीरा बिन शोबा वो शख्सियत हैं, बदरी सहाबा हैं, ये जो शिया हज़रात उनको बुरा भला कहते हैं। उन्होंने कहा हज़रत मुआविया को कि जी आप जो है ना वली अहद नामजद करें, पता चले फिर आपके आपकी उम्र बढ़ रही है, कहीं आपका इंतकाल हो गया तो पीछे फिर वही जंगें शुरू हो जाएंगी, तो आप वली अहदी की बैत लें। तो हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला ने वली अहदी की बैत का ऐलान किया, सब ने बैत की, सिर्फ 5 अफराद थे जिन्होंने बैत नहीं की। हज़रत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह तआला के साहबजादे हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर, हज़रत उमर के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन उमर, हज़रत ज़ुबैर के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह बिन ज़ुबैर, और हज़रत अब्बास के साहबजादे हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, और हज़रत अली के साहबजादे हज़रत हुसैन, इन 5 ने बैत नहीं की। हज़रत अली ने, हज़रत मुआविया ने भी कहा कोई बात नहीं, कौन सा ये वली अहदी की बैत है ना, मेरी बैत का इनकार तो नहीं कर रहे। अब जब हज़रत मुआविया रज़ी अल्लाह तआला का इंतकाल हो गया, और इंतकाल हो जाने के बाद अब वली अहदी की बैत नहीं थी, अब अमीर खलीफा की बैत थी। तो अब इन 5 में से हज़रत अब्दुर्रहमान बिन अबी बकर का इंतकाल हो चुका, वो इंतकाल कर चुके, 4 रह गए, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर, हज़रत हुसैन बिन अली, ठीक है, ये 4 शख्सियत जिंदा है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर दोनों क्या करते हैं, दोनों यजीद की उस पर बैत कर लेते हैं। वो कहते हैं भाई हमने जंगें देखी हैं, और कौन हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास आपको पता है कौन है? इस उम्मत के मुफस्सिर हैं, और उन्होंने बैत कर ली। और हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर कौन? वो जो हज़रत उमर के साहबजादे हैं, उन्होंने कहा भाई हमने बैत कर ली, हमें जंग नहीं करनी, इस वक्त हालात का तकादा ये है, ठीक है जी, उन दोनों ने कर ली। इन दोनों हजरात ने क्या किया, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर ने कहा भाई मैं तो नहीं करता, वो किधर चले गए मक्का चले गए, मदीना से मक्का चले गए। हज़रत हुसैन ने कहा मैं भी नहीं करता, हज़रत हुसैन भी जो है वो मक्का चले गए। अब बड़ा लंबा वाक़िया है, इसमें बहुत सारा मुख्तसर कर रहा हूँ, वो भी मक्का पहुँच गए। अब ये आप मुझे बताएं, अब हज़रत हुसैन को ख़त आ रहे हैं, करबला वाले कूफा वाले खत लिख रहे हैं, आप आ जाएं, हम आपके साथ तैयार हैं बैत करने के लिए, सब तैयार हैं। तो हज़रत मुस्लिम बिन अकील को भेजा, हज़रत मुस्लिम बिन अकील गए, वहाँ से खत लिख के भेजा, हाँ सारे हालात ठीक हैं, सारा कूफा पूरा इराक आपके साथ है, आप आ जाएं। अब वो निकल रहे हैं वहाँ से, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने उमर, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास, हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने ज़ुबैर कहते हैं हज़रत हुसैन को कि भाई आप ना जाएं, अभी हज आने वाला है। देखें ज़िलहज्जा की कौन सी तारीख थी, 7 थी ना, 6 या 7 ज़िलहज्जा थी ना, जब आप निकले वहाँ से मक्का से, तो 8 ज़िलहज्जा से तो हज शुरू होता है, तो आप ना निकलें, हज यहाँ रहते हैं, सारे आएंगे हाजी उनके साथ बात करेंगे। उनका नहीं, हज़रत हुसैन ने कहा हो सकता है कि कुछ उनमें ऐसे लोग हों जो मुझे मौका पाकर यहाँ पर कत्ल कर दें, शहीद कर दें, तो मेरा निकलना ज़रूरी है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कहते हैं जो कौन है, हुजूर के चचाजाद भाई हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्ने अब्बास कौन है,
حضرت عباس کے بیٹے ہیں, وہ کہتے ہیں حضرت علی کو کہ علی یہ کوفہ والوں پہ ٹرسٹ مت کرو. حضرت حسین کو کہتے ہیں کوفہ والوں پہ ٹرسٹ نہ کرو, انہوں نے تمہارے باپ کے ساتھ کیا کیا, تو لہذا ٹرسٹ مت کرو, مت جاؤ, اگر جانا ہی ہے تو اکیلے جاؤ, بچوں کو ساتھ لے کے نہ جاؤ. ان کے تو وہم و گمان بھی نہیں تھا کہ اس طرح سے ہوگا, نواسۂ رسول کو جو ہے وہ شہید کر دیا جائے گا. اب مجھے بتائیں کوئی جنگ کرنے 72 لوگ لے کے جاتا ہے؟ بتائیں مجھے 72 آدمی کوئی جاتا جنگ کرنے کے لیے؟ کوئی جنگ کرنے جا رہے تھے؟ اب وہ نکلے. اب میں آپ کو بالکل کربلا پہ پہنچاؤں, وہاں پر پہنچ کر کیا ہوا کہ راستے میں خبر ملی کہ حضرت مسلم بن عقیل کو شہید کر لیا گیا, اور حضرت حسین نے ارادہ کیا واپسی کا, تو حضرت مسلم بن عقیل کے صاحبزادے موجود تھے, انہوں نے کہا اپنے چچا سے کہا کہ جی آپ کے کہنے پہ والد محترم گئے اور آپ اب واپس جا رہے ہیں, ہم نے تو اپنے باپ کے خون کا بدلہ لینا ہے, ہمارے باپ کو قتل کر دیا, یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ تو حضرت علی پھر حضرت حسین بھی تو پھر دیکھے نا, انہوں نے کہا کہ بھائی اب بچے ان کے کھڑے ہو گئے, وہ کہا چلو. اب جب وہاں گئے تو دیکھیں وہاں پر یہ جو کربلا جو ہوا ہے نا, اس میں کوئی دو رائے نہیں کہ کوئی دنیا کا انسان اس بات کو تسلیم کرتا ہے کہ واقعہ کربلا نہیں ہوا, ہر آدمی کرتا ہے. یہ جو اسٹوریاں سناتے ہیں یہ لوگ, تو اسٹوریاں تو ڈفرینٹ ہیں, لیکن حقیقت کیا ہے؟ حقیقت تو یہ ہے کہ بھائی حضرت حسین رضی اللہ تعالیٰ کو شہید کر دیا گیا, اور آپ کو جو ہے وہ کس طریقے سے آپ کے پورے خاندان کو, حضرت حسن کی پوری, حضرت حسن کے صرف ایک بیٹا بچ گیا تھا, حضرت علی کا, حضرت حسین کا ایک بیٹا بچا تھا جو زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ. تو عرض یہ کرنی ہے کہ دیکھیں واقعہ کربلا ہوا, اس کا نتیجہ کیا نکلا؟ اس کا نتیجہ یہ نکلا کہ یہ واقعہ اتنا بڑا واقعہ ہے کہ اس کے نتیجے میں, اچھا دو منٹ رک جاؤ, اذان دینا ابھی دو منٹ بعد ہے. تو اس کے نتیجے میں کیا ہوا کہ مسلمانوں کے اندر دو گروپ بن گئے. ایک گروپ بن گیا کس کا؟ شیعان علی, اور ایک گروپ بن گیا دوسرا. تو اس کا اثر, اچھا اس زمانے میں بھی کوئی ایسا نہیں تھا کہ کوئی شیعہ سارے کو شیعہ ہو گئے تھے, نہیں ہوئے تھے, ایسا کوئی معاملہ نہیں تھا. پھر کیا ہوا کہ چلتے چلتے اب آپ دیکھیں کہ اللہ تعالیٰ نے کس طریقے سے جو یزید ہے وہ کتنے سال زندہ رہا؟ 2.5 سال زندہ رہا, صرف 2.5 سال. اور اس کے بعد جو ہے وہ جب مر گیا تو اس کا بیٹا جو ہے معاویہ بن یزید وہ خلیفہ بنا, ممبر پہ بیٹھا, 40 دن تک خلیفہ رہا, 40 دن تک عوام میں نہیں آیا. آیا جمعے کی نماز پڑھی, خطبہ دیا, بیٹھا, تقریر کی, کہا کہ میں جو ہے اتنا بڑا بدن اپنے باپ کا جرم کا میں اٹھا نہیں سکتا, تو لہٰذا میں جو ہے کیا کرتا ہوں, ریزائن کرتا ہوں, استعفیٰ دیتا ہوں, میں قبول ہی نہیں کرتا. پھر وہ مروان جو ہے وہ بنا جو ان کا ماموں تھا. تو عرض یہ کرنا ہے کہ دیکھیں یہ واقعہ کربلا, اس کے بعد واقعہ کربلا تو ایک بہت بڑا واقعہ ہے, بہت بڑا ثانیہ ہے, اتنا بڑا ثانیہ ہے کہ دیکھیں آج 1400 سال ہو گئے, اور جتنا اس واقعے کا تذکرہ ہوا, جتنا اس پہ رویا گیا, کسی واقعے پہ اور کسی اس پہ نہیں رویا گیا جتنا اس پہ آج تک رویا جاتا ہے. تو اس کے بعد پھر واقعہ ہررا بھی ہوا ہے. واقعہ ہررا جو ہے اگر آپ لوگ پڑھ لیں تو آپ کے رونگٹے کھڑے ہو جائیں گے کہ 3 دن تک مسجد نبوی کے اندر نماز نہیں ہوئی, 3 دن تک جو ہے یہی یزید تھا, یہی اس کے وہ فالوورز تھے کہ جنہوں نے جو ہے وہ 3 دن تک مدینہ کو حلال کر دیا. اب میں کیا بتاؤں آپ کو کہ کیا کیا ظلم نہیں ہوئے. تو اور آج ایک طبقہ کھڑا ہو کر یزید کی حمایت کرتا ہے, یار شرم کی بات ہے, کیونکہ پتہ ہی نہیں ہے کتنا. ایک ہمارا دوست ہے, پڑھا لکھا آدمی ہے, مجھے کہتا ہے واقعہ کربلا کہاں ہوا تھا یار, یہ ساری سٹوری ہے. میں نے کہا بھائی تو نے کہیں پڑھا؟ پہلے پڑھ لے, پڑھ تو لو آپ, اور جو صحیح بات ہے امت کو وہ بات بیان کرو. تو لہٰذا ہم اہل سنت والجماعت ہیں. آخری بات, اور ہمارا, ہم تمام صحابہ سے محبت کرتے ہیں, تمام اہل بیت عزام سے محبت کرتے ہیں. جیسے انہوں نے کہا نا حسین ہمارے ہیں, اصل میں حسین ہمارے ہیں بھائی, ہم ہیں حسین قلم بردار. وہ کہتے ہیں خونے حسین کی قسم, سید کانپوری صاحب, خونے حسین کی قسم, یہی ہے عرض کربلا, لاکھوں یزید ہیں یہاں, کلمہ حق اٹھا کر دے. ابھی کلمہ حق اٹھا کر دیکھو, پتہ چل جائے گا کون کون یزید ہے. تو اللہ تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں اہل بیت سے محبت عطا فرمائے, ان کے نقش قدم پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے, اور ان کی شفاعت عطا فرمائے, اور اللہ تعالیٰ ان کو بہترین جزائے خیر عطا فرمائے جنہوں نے دین اسلام کے لیے اپنی قربانیوں کو پیش کیا. اللہ تعالیٰ ہم سب کی یہاں پہ حاضری کو قبول فرمائے. واخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین. بھائی وہ روزہ قبول دے دو, روزہ کھول لیں, مجھے یاد ہی نہیں ہے کہ روزہ بھی ہے سب کا.